अल्लाह हू अकबर। तो वोस्पा के साथ रहने वाला था, आई गया ना दिल में, तो वो क्या किया उसने, वो चला गया छोड़कर और जाकर जंगल में, जंगल पहुंच गया। जंगल में पहुंचकर क्या देखता है, दो अल्लाह के वली बैठे हुए, अल्लाह के वली बैठे हैं। तो उनके पास जाता है और कहता है, हजरत मुझे अपने पास रख लीजिए, आप जो खाओगे हम भी खा लेंगे, जो पियोगे हम, बस हमारे साथ रख लीजिए। तो कह रहा ठीक है, आ जा बैठ जा। उनके साथ मसरूफ रहा कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद भूख लगी, भूख लगी तो उन दो में से एक वली ने अपने हाथों को उठाया और दुआ की। अभी दुआ की, एक खाने का थाल आ गया, तीनों ने मिलकर खा लिया। थोड़े दिनों के बाद फिर भूख लगी, अल्लाह के वली थे ना, हमसे थोड़ी हम तो सुबह खाए तो शाम को भूख जाते, वो तो खाना बस क्या होता है इनका। तो कुछ दिनों के बाद दोबारा भूख लगी तो दूसरे वली ने दुआ की, तो खाने का थाल आ गया, फिर तीनों ने खा लिया। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर भूख लगी तो दोनों वलियों ने कहा, मियां अब तुम्हारी बारी है, अब तुम दुआ करो। बोला, हजरत मैं क्या दुआ करूं, मैं तो वली थोड़ी हूं, मैं तो क्या दुआ करूं। बोला, आप वली है कि नहीं भाई, तू दुआ कर, तेरी बारी है, हमने दुआ की आ गया ना, अब तेरी बारी है। तो उसने भी यूं हाथ उठाकर दुआ की तो खाने के दो थाल आए। कितने थाल आ गए? तो उन बुजुर्गों ने पूछा, मियां बात क्या है, हम तो एक मांगते तो एक मिलता है, तो तू मांग रहा है तो दो मिला, जरा ये तो बता दुआ तूने क्या की थी। बुजुर्गों ने पूछा, तूने दुआ क्या की थी? तो कहने लगा, मैंने दुआ क्या की, मैंने कहा मौला तेरे दो वली बैठे हुए, इनके सत्ते में खाना दे दे। तो दो साल आ गए, ए वलियो अब तुम बताओ तुम दुआ क्या करते हो। गौसपा के खादिम ने कहा, तुम बताओ तुम दुआ क्या करते हो। तो वली कहने लगे, हम तो दुआ में उस गौसपा के उस खादिम का वसीला देते हैं जो वजू करवाता था, हम तो उस वली का वसीला देते हैं, मौला खाना दे दे तो हमको खाना मिल जाता। जब ये सुना अब चौंक गया कि ये मैंने क्या किया, गौस पाक के खादिम हूं, मैंने सिर्फ वजू कराता था, मुझे ये रुतबा मिल गया कि वली मेरे सत्य में दुआ मांगते और मेरे सत्य में खाना खाते, तो गौस पाक की बरकत से मुझे ये मिला। फिर आंख खुल गई और फिर गौस पाक की बरकत पहुंच गए, तोबा की हुई रह गई। इसीलिए कहते हैं बस साईं तो साईं, साईं का नौकर भी साईं। तो सैयदना शेख अब्दुल करीम जीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो गौसपा के मुरीद और खलीफा थे, एक दिन मुराकबे में अर्ज की, मौला मुझे मकाम मुस्तफा दिखा। क्या मकाम मुस्तफा दिखा। तो चूंकि अल्लाह के वली थे, गौसपा के खलीफा थे, तो मुराकबे में उनको एक चक्की दिखाई गई, चक्की 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 समझते हैं, चक्की आजकल तो बड़ा अजीब दौरा गया, चक्कियां गायब हो गई, पहले घरों में चक्कियां होती। तो सुबह हुई तो गौस पाक की बागा में गए, अर्ज की, हुजूर मैंने मकाम मुस्तफा देखने को मांगा था मुराकबे में, मुझे चक्की दिखा दी गई, बात मेरी समझ में नहीं आई। तो गौस पाक फरमाते हैं, अब्दुल करीम इन बातों को समझने के लिए शेख की जरूरत होती है, तुझे जो चक्की दिखाई गई है ना, इसी में मकाम मुस्तफा की तरफ इशारा है। अर्ज की, हुजूर वो कैसे? फरमाया, ए अब्दुल करीम ये बता, चक्की के पार्ट कितने होते हैं? अर्ज की, दो। अच्छा, एक खड़ा है एक घूम रहा। जी हां, खड़ा किस पे खड़ा है, ये जो घूम रहा है किस पे घूम रहा है? हजरत मरकज पर, मरकज पर। जो खड़ा है वो मरकज पर, जो घूम रहा है मरकज पर। फरमाया, ए अब्दुल करीम सुन ले कि आलम एक वो आलम, ये खड़ा है मरकज मोहम्मद पे खड़ा है, जो घूम रहा है मरकज मोहम्मद पे घूम रहा है। वाह 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 वाह, डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। आसमान खड़ा है बगैर सुकून के, बगैर पिलर के खड़ा है, कैसे खड़ा है? इकबाल कहता है, इतनी फिक्र ना कर मैं बताता हूं, इतना टेंशन ना ले
मैं बताता हूं कैसे खड़ा। खैमा अपना का इस्ताद इसी नाम से है, नब्ज हस्ती तपस्या मादा इसी नाम से है। मैं अक्सर कहता हूं कि यही बात अगर मेरे आला हज़रत से पूछो, अगर इमाम के इमाम से पूछो ना, तो इमाम पता क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दगम में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में गिजा तुम्हारे लिए, गमाए यगा तुम्हारे लिए, ऊँटे भी भगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमन तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो पलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, जीना में चमन चमन में समन समन में फबल फबल में दुल सजाए मिनल पे ऐसे मिनल, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, न रूहे अमी न लोहे मोबी न अर्श बरी कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमजे खुली अजल की निगाह तुम्हारे लिए, वो पैसे दिए ये झूठ किए के नाम लिए, जमाना जिए जगाने लिए तुम्हारे दिए, ये अकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवन किए के आबे हम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सितरे बदा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फैर लिया, गए हुए दिल को असर किया, ये दामो दवा तुम्हारे लिए, जैसे मेरे सरदार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं।